तपाईँहरू हेर्नु सक्छ कि यता भाउजू आज पुरो खाना होला के भन्छ भन्दैछ भाउजू अहिलेमा आयो भाउजू बन्द भाउजू चाहिँ तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। सो आज का मेरा व्लॉग बस सिंपल सा रहेगा, डेली व्लॉग टाइप का होगा। और अभी हम लोग सुबह उठ के अभी ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है, आपको दिखाऊंगी मैं। ब्रेकफास्ट में मैंने ये सो जीरा राइस बनाया था, ये खा दिया। और इसका मेरा है ये और मेरा ब्लैक कॉफ़ी और उसका क्या है मिल्क। तो गाइस हम लोग ये अपना ये ब्रेकफास्ट इंजॉय करने के बाद आपको मिलते हैं। इसके बाद तब तक ये भी चले जाएंगे होगा ड्यूटी, तब तो बाय बोल दो ना। तो बाय बाय। गाइस मैं लंच बना ही रहे थे, मैं चावल भी बैठा दिया था, पक गया भी चावल भी, लेकिन फिर भाभी को मैंने बोला ना कि आप और भैया लंच में भी आप आइए इधर जैसे भी बोल के, तो फिर भाभी ने बोला नहीं मैं सब्जी बना लूँगी तुम चावल बना दे, बोल के ऐसे बोले इतना सो स्वीट ऑफ हर कि उसने सब्जी बनाएगा बोला। तो आज हम लोग को भाभी ने दिया है दार्जिलिंग से लेके आया, ये है सेल रोटी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आमा का हाथ से तो और ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। इसके बाद ये है अमन का फेवरेट ढल्ले खुरसानी, ये इतना स्पाइसी नहीं है कंपेयर टू किंग चिल्ली, वो ज़्यादा ही कुछ स्पाइसी है, इतना स्पाइसी नहीं लगता है मुझे ढल्ले खुरसानी, लेकिन उसका फेवरेट है। तो मैंने इधर मस्टर्ड ऑयल रख दिया, डाल दिया मैं। और इसके बाद दिया हम काला दाल दिया, इसके बाद भाभी ने इसके बाद दिया था गुंदरुक, इधर मैं दिखाऊंगी ये ड्राई गुंदरुक है जो साग को होते हैं ना करके रखते हैं, ये सब ड्राई है ये। और मैंने इसको सोचा कि मैं क्या बोलते हैं लंच में भी बनाऊंगी बोल के ना, तो ये था मैंने ऑलरेडी इधर भिगा के रख दिया था पानी में, अभी इसको भी मैं बना दूंगी, भाभी भी बना रहे और अंडा बॉयल कर दूंगी मैं। इसके बाद यही था सो स्वीट ऑफ हर कि उसने इतना अच्छा दिया, और मुझे तो ये तो मेरा फेवरेट है सेल रोटी और काला दाल। इसके बाद आपको मिलते हूँ मैं कुछ देर के बाद। तो गाइस मैं अभी डाल रही हूँ ये मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल मीट बनाने टाइम डालने से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अभी ये गुंदरुक सब्जी में मैं ये मूला और आलू और ये है प्याज और लहसुन भी डालूँगी मैं, और ये रहा गुंदरुक हम लोग का, तो अच्छा लगता है मस्टर्ड ऑयल पहले इधर, फिर मैं डाल दूँगी जीरा। अभी मैं इधर डाल चुका हूँ जीरा और ये लाल मिर्च, थोड़ा सा इसको गर्म होने के लिए देंगे। और सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है गुंदरुक सब्जी खाने के लिए, आमा का हाथ से भी गुंदरुक बहुत अच्छा बनता है, मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है गुंदरुक सब्जी कैसा बनना है, लेकिन हाँ मैं ट्राई करती हूँ। इधर का प्याज भी बहुत मीठा मीठा है, तो अभी मैं कर लूंगी छोटे। तो अभी मैं डाल लूंगी ये चिल्ली, ये कल का रोटी था अभी बच गया, इसको अभी गाय आने से दूंगी मैं। तो गाइस मैंने इधर थोड़ा सा पानी डाला, ये पूरा मसाला पूरा मतलब सब्जी लोग सब में ऐसा अच्छे से डिजोल्व होने के लिए थोड़ा सा पकने के लिए मसाला थोड़ा सा डाला मैंने। इसके बाद ये थोड़ा सा अभी मैं इसको छोटा गैस कर दिया हूँ, मैं छोटे फ्लेम में रख के मैंने अभी इसको थोड़ा सा पका दूंगी मैं। इसके बाद पानी डाल के मैं ये डालूंगी गुंदरुक और इसका मैं झोल बनाऊंगी, बहुत टेस्टी लगेगा। मैं इसको रखूंगी थोड़ी देर जैसे ढक्कन बंद करके छोटा फ्लेम करके, यस। तो और मैं अभी आऊंगी 5 मिनट्स के बाद। तो गैस अभी 5 मिनट हो गया है, तो अब मैं डालूंगी इधर गुंदरुक, इधर मैं अभी अंडा बॉइल करूंगी, सबका स्टाइल अलग होता है। कमेंट करिए आप लोग कैसा खाते हैं ये गुंदरुक को।
मेरा गुंदर का सब्जी अभी हो रहा है। इस लहसुन भी मैंने ऐसे डायरेक्ट क्रश करके गोटा गोटा डाल दिया था। और मूला है और आलू है, अभी और टेस्टी लगी। मूला डालने से भी टेस्टी लगते हैं मूला और आलू। मैंने भी कुछ नहीं डाला, पक रहे। और मेरा अंडा भी बॉईल हो रहा है अभी, ये शायद एक दो मिनट ही लगेगा और मेरा पक गया इसके बाद। तो ये भी मैं अभी बनाऊंगी बोल के, मैं आंवला का अचार बनाऊंगी बोल के। ये मैं बाद में बॉईल कर दूंगी, काट के रख चुका है मैंने, इसको मैं बॉईल कर दूंगी बाद में। तो गाइस मेरा गुंदरू की सब्जी भी अभी बनने वाला है, एक दो मिनट में बन जाएगा। इसके बाद मैं सोचा था कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उतना टाइम नहीं लग रहा है। और गुंदरू की सब्जी का रिगार्डिंग मैं कुछ बोलना चाहती हूँ मैं कि गुंदरू ऐसा है ना कि एक ऐसा, वो क्या बोलूँ उसको, मैं स्पाइसेस भी नहीं बोल सकती हूँ। वे ऐसा एक डिश है जो कुछ अपने में एक अलग ही एक टैंगीनेस होता है, मिठास होता है। और जितना भी उसको सिंपल से बनाएगा ना, जैसे गरम मसाला, जो धनिया मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही सिंपल से खाए तो वो ज़्यादा ही इन्हेंस करते हैं मतलब डिश को। अब पता ही नहीं दूसरा लोग कैसे बनाते, लेकिन मुझे और मेरे फैमिली वालों को ऐसे ही पसंद है। मतलब सिंपल सा हो गया, आलू हो गया, मूला हो गया, किसी का साथ भी डाल के। इधर मैं टमाटर भी डालते हैं, लेकिन मैं टमाटर नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे टमाटर इतना खाना मतलब मना करके रखा है डॉक्टर, तो इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। क्योंकि पहले बीच में मुझे थायराइड हुआ था, तो इसलिए मुझे टमाटर वो सब खाने के लिए थोड़ा सा मना किया है। तो अभी तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन भी अपने एक होते हैं ना दिल्ली मतलब इच्छा से, अभी टमाटर भी उतना मतलब पसंद नहीं आता है। तो वैसे ये सिंपल से बनाई गुंदरू की सब्जी, सिंपल में ही वो इतना इन्हेंस कर देगा ना गुंदरू जो पूरा वेजिटेबल में, और थोड़ा सूपी से खाने से तो और भी अच्छा लगता है। और कोई कोई लोग इसको गुंदरू का सूखा वाला, गुंदरू को क्या बोलते हैं, आलू भाजी में सूखा ड्राई फ्राई बना के भी खाते हैं। इसको बहुत है, इसका स्टेप बहुत ज़्यादा है, प्रोसीजर बहुत ज़्यादा है बनाने का और खाने का। तो लेकिन मुझे और मेरे फैमिली वालों को ऐसे ही पसंद है। तो आपको मिलते हूँ कुछ देर के बाद। सो गाइस मेरा गुंदरू की सब्जी रेडी हो गया, सूपी बनाया। और ये अंडा बोले, इधर बोली और अंडा। गाइस ये मेसी बोले, क्यों मेसी नहीं हो ना, तो हमने इतना ज्यादा लंच बनाया। तो ये है माला रोटी, सेल रोटी। लेकिन मैंने पहले भी बोला था आपको कि आमा का हाथ का ज्यादा मीठा होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो मैं एक रे खाऊंगी। और कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा है। भाभी दिया है, थैंक यू फॉर भाभी, बहुत टेस्टी है। तपाईँहरू हेर्नु सक्छ लिएर भाउजू आज पुरा खाना होला, के भन्छ निकालिदिनु, पस्किँदैछ भाउजू, हेलो भनिदिनु। हेलो। आज मैं और भाभी बाहर भी जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कि आज हम लोग कहाँ जाएंगे। आपको मिल या आपको मिलते ये सब खाने के बाद। दादाजी दादा दादाले भन्दैछ मलाई भिडियोमा नलाउनु। अभी हम लंच भी कर लिया, भैया और भाभी भी लंच कर लिया, अभी वो लोग भी चले गए अपने रूम रेस्ट करने के लिए। इसके बाद मैं और भाभी आज जाएंगे कहीं, भाभी को शॉपिंग करना है, थोड़ा किचन का सामान वो सब लेना है। और मेरा तो हो गया, किचन का सामान लेके ज़्यादा नहीं लूँगी मैं। और आपको मिलते हैं कुछ देर के बाद, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, इसके बाद आपको मिलते हैं। छोटा सा शॉर्ट ब्रेक। तो गाइस अभी हम ये हो गए रेडी, और उधर से आ रहे भाभी, ये माला रोटी खा के जा रही हूँ मैं, सेल रोटी। और आज हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट में, क्योंकि भाउजू को कुछ लेना है। भाउजू हाय पन्नु, हाय हाय बाय। अभी हम लोग जा रहे हैं, और भाउजू का भी घर का थोड़ा सामान लेना है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लेना, कुछ अच्छा लगेगा तो लेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लेगा। हाँ प्रीति शेष लुकिंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आपको मिलते हैं डायरेक्ट विशाल मेगा मार्ट में। तब तक के लिए थोड़ा सा मिनी सब ब्रेक। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, टोटो मिल गया, टोटो भी बहुत दाम हो गया, 120 बोला हम दोनों को, पर कुछ नहीं, अभी दूसरा टोटो नहीं दिख रहा था इसलिए आ गया हम दोनों। तो
अभी हम लोग जा रहे हैं एटीएम, एटीएम से अभी कैश निकालने के बाद हम लोग डायरेक्ट विशाल में आपको मिलेंगे। गाइस अभी हम लोग विशाल पहुंच गए हैं। इधर में है भौजू, भौजू ने लिया है, आपको मैं दिखाऊंगी भौजू ने क्या लिया है। भौजू ने लिया ये एक पानी का जग और नीचे में है प्रेशर कुकर। उसके बाद मेरा दूसरा प्यारा सा भौजू शिवानी भौजू बोला कि उधर से मुझे मैट का देखने के लिए, ओ मैट तो नीचे में, नीचे जाना पड़ेगा मुझे मैट देखने के लिए। गाइस हेलो, तो अभी हम और भाभी कुछ नहीं लेगा सोचा था क्योंकि दादा भी कैंटीन से सब ले देगा बोला था, क्योंकि हम लोग को कैंटीन से आर्मी प्राइस से बहुत सस्ता मिल जाता है ये सब चीज़ तो। लेकिन अभी हम दोनों को मन जो नहीं हुआ, क्योंकि इधर को मैं आपको दिखाऊंगी, इधर सब 99 रुपीस में, ये तो 129 के हम लोग ने इधर लिया, इतना सस्ता सस्ता मिली है ना, कि लेने मन लगे। आप लोग फिर विशाल में आइए तो आपको मिलते हैं थोड़ा कुछ देर के बाद। बोलिए आपने कितना सामान लिया, भाभी का सामान देख सकते हैं। खुश भाभी, खुश हो गया? नहीं नहीं, पैसा चला गया फिर आ जाएगा ना और का महीना। अभी हम दोनों पर थक गए, अभी फिर से भाभी जा रहे हैं, क्या लेने के लिए अभी बोलो? अभी कुकर, कुकर और ग्राइंडर भी लेना है भाभी को। अभी हम लोग फिर अभी अंदर जाएंगे विशाल के, तो आपको मिलते हैं सब कुछ काम करने के बाद। तो गाइस मैं भी जाएगा सोच रहा था भौजू के साथ, लेकिन एक ही आदमी जा सकता है तो मैं बाहर रुक गई हूँ, ये सब सामान का चौकीदारी कर रही हूँ, तो इसलिए भाभी अंदर है मैं बाहर में बैठ रही हूँ। मैं आपको मिलते हैं कुछ देर के बाद। Meanwhile, तो भौजू अभी फाइनली वो भी निकल के अभी इतना ज़्यादा और शॉपिंग करके आ गया, अभी हम दोनों खत्म हो गए। हाँ, अभी हम लोग और का महीना, दूसरा महीना जब पति का जेब थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, फिर आएंगे हम लोग, अपने लिए करेंगे शॉपिंग, तब हम अपने लिए करेंगे। अभी सब घर का सामान ही लिया हम लोग ने, तो अभी हम लोग ये सब पैक वैक करके आपको डायरेक्ट रास्ते में मिलते हैं। पानी पूरी खाएंगे, पानी पूरी दिखाऊंगी मैं, पानी पूरी खाएंगे, इसके बाद आपको मिलते हैं। हम पहुँच गए ये भैया के इधर पानी पूरी खाने के लिए, टेस्ट खा के दिखाइए, टेस्ट करके बोलिए कैसा है, टेस्ट तो करिए, करो टेस्ट और एक बार कैसा लगा। ठीक है अभी मैं खा लूंगी ये। गाइस मैं कैमरा, क्या बोलते हैं वो कैमरा, वो ट्राइपॉड लेके नहीं आई हूँ, तो इसलिए खुद का नहीं दिखा सकती हूँ, तो भैया का इधर खा रही है, तो होगा भैया अभी दे दीजिए। A few moments later. बंदे से बाजू आइले में आयो, बाजू बंद, बाजू से बाजू पूरा परफेक्ट हो गया रोटी गुनने में, अभी देखा होगा ये कितना अचानक से ब्लॉग शुरू किया यार, ऐसे करते करना था नहीं, ये क्या आटा कैसे गुना, आटा ये से गुनो गाइस। हाँ उस दिन तो पहले मैंने गुना ना, बस समझे, बिलीव मी, आई थिंक यू गाइस वोंट बिलीव, मेरा रोटी पापड़ सच में पापड़ हो गया ना, बचा ए ब्रेक हुआ ला, अच्छा वाला रोटी हुआ, फिर भी मेरा पति बेचारा वो बोल रहा था ना, आ टेस्टी है बेचारा दादाजी, मुझे पता है कि वो बहुत खराब है रोटी है, लेकिन भी अब पति जो पति छ नहीं था नराम्रो भनेर उयो राम्रो भन्नु पर्छ, सबै मुझे सबै पता है, किनकि दुई साल त बस्नु पर्छ त भन्नु त पर्छ, अब जस्तो भी छ फेरि त्यो बिचारा उसले कडा रोटीको भी टेस्टी बोला। अब इसका प्रोसिजर बोलिए कैसे, मुझे भी इतना सस नहीं आता है, बोलिए आप। मैं तो रोज उसका ब्लॉग में प्रोसीजर, जैसे कि मैं बहुत प्रोफेशनल शेफ हूं, बोलिए उसको बता दिया जा, और ये सीधा जाने योजे बाजू, अब के भन्दै थे कैसा लग रहा है को मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आप बोलिए इसका प्रोसीडियर, तुम्हारा ब्लॉग देखा था मैंने रात को 12-1 बजे देख रहे थे, मुझे था हाँ, और जब ने आप कमेंट किया तब मेरे रिएक्शन भी दे दिया था, हमारा क्वांटिटी कम होता है ना इधर, सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ को ही तो खाना है, और क्या बोलता है, और ये रिफाइंड ऑयल डालने से रोटी सॉफ्ट हो जाता है गाइस,
रिफाइन ऑयल इतनी नहीं डालने का, थोड़ा हाँ, और उसके बाद वो आटा को ना मिक्स करना पड़ेगा, ऊपर मिक्स करना पड़ेगा ना, वो ऑयल को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा उसके फिर उसके बाद पानी हाल के गूंदना पड़ेगा, गूंद के ऐसा हो जाते बहुत नरम हो गया। अभी देखिए गाइस नरम हो गया, देखिए उतना अच्छा से नहीं गुना है, ये मुझे ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। मैंने इधर का कारपेट लोग धो दिया आज। हाँ तो अभी ऐसा करके अभी भाऊजी ने हमारे प्यारा दादा के लिए बनाया है। इधर देख लीजिए कितना प्यार से रोटी बना रहा है नीचे में, अभी नीचे फोर्स ज्यादा जाता है। तो गाइस सब लोग कमेंट करना कि भाभी का रोटी बनाने का स्टाइल कैसा लगा आपको। सब लोग बोलेगा कितना बेकार है। आपको मिलते हैं मैं कुछ देर के बाद। ये भी आ गया है ड्यूटी से, तो अभी थोड़ा सा काम बच गया इधर, पूरा मेसी सा होके बैठा हुआ है। हम लोग थोड़े से साफ वाफ करके आपको मिलते, फिर आज हमारे पड़ोसी जो भाऊजू है ना उसने बोला कि आज उसके उधर ही खाना खा लीजिए बोल के, तो ठीक है बोल के खाना भी इनवाइट किया। हां डिनर में इनवाइट कर से। हां हम लोग के अंजन वही खाएंगे हम लोग, तो आपको दिखाते हैं। अभी मिलते आपको कुछ देर के बाद। तो हेलो गाइस फिर से, तो अभी मैं आ गई हूँ मेरे भाऊजू के घर में। अभी मैं मिलाती हूँ मेरे भाऊजू, तो हम लोग ने आज खाया था भाऊजू के घर में डिनर, और अभी बहुत सिंपल सा और बहुत घर वाला जैसा फील आया था। और अभी हम लोग जस्ट वॉक करने के लिए जाएंगे, अभी थोड़ा सा जो खाना खाया है थोड़ा पचा देंगे। और ये है भाऊजू का फोन, कुत्ते प्यारे छो स्टार स्टार चांद चांद लोग तो अभी हम आपको मिलते हैं कुछ देर के बाद। इस हम लोग वॉक ही कर रहा था, तो फिर हम लोग इसी वाली भौजू का दरा दिया टिंगटोंग टिंगटोंग करके, तो और भाग गया। हाँ, और उस पीछे में हम दोनों का हस्बैंड उधर गप कर रहे, बोलो भूल ही गया क्या हम लोग इधर में खाना पचाने के लिए आया था। अभी मैं बुलाऊंगी दादा को भी बुलाऊंगी और अमन को भी बुलाऊंगी। आज 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 क्या बोला था, आज हम लोग दिखाया था ना पूरा प्रोसीजर रोटी का, लेकिन बहुत जल्दी रोटी नहीं खाया। क्या खाया मेरा ना बन, मैंने रामेन खाया। वाकिङ भुल्यो जब जान्छ नि वाकिङ। दादाले पनि त्यो ज्याकेट लगाइदिने थियो नि, तो गाइस अभी हम लोग ने वाक करे इधर में है। देख लो इधर शिवानी भाउजू, देख लो नहीं था शिवानी भाउजू, ये शिवानी भाउजू अनि ये जा हमरो प्यारा भाउजू आयो दुटा दुटा भाउजू। भाभी जी है, मैं ही हूँ एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्हा सा बच्चा। यही है ये नया क्वार्टर ऐसा दिखता है, लेकिन हम लोग का जो मेरा और भाउजू का है ना, हम दोनों को थोड़ा सा पुराना वाला हो गया क्योंकि इधर सब बढ़ती हो गया। तो अभी हम लोग वॉक करने जा रहे, आपको मिलते कुछ देर के बाद। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है हिरन, इधर बहुत ज़्यादा ऐसा आता है ये, इधर आदमी लोग नील गाय बोलते हैं लेकिन ये हिरन का एक प्रजाति है। उधर में ये वो मुझे ही दिख रहा है इधर। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गया है सीढ़ी में, उगते उगते थक गया। तो अभी भाउजू भी जा रहे, हम दोनों का पति पहले से ही पहुँच चुका था। तो भाउजू गुड नाइट, गुड नाइट बोली भाई तुम ना भाउजू, गुड नाइट। तो गैस अभी हम लोग पहुंच गया है घर, ये और दादा जो पहले से घर पहुंच गया था, और मैं और भौजू अभी आई हूँ।
मैं सो भी चुका था गाइस, इसने जल्दी उठा दिया। हो गया, कुछ नहीं, वीडियो का एंड करना था ना इसलिए। तो गाइस आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा देन लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय। और गाइस थैंक यू मेरे वाइफ के चैनल के एक वीडियो को 1100 लगभग अभी 1200 व्यूज हो चुका है, तो इस तरीके से आप लोग प्यार बनाते रहिए, प्यार दीजिए। थैंक यू गाइस एंड गुड नाइट, बाय बाय।